गुड मॉर्निंग। आज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर 12th क्लास फ्रेजल वर्ब। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न फ्रेजल वर्ब। सो लेट स्टार्ट ब्रिंग फ्रेजल वर्ब। ब्रिंग करते मीनिंग लाना। तो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। ब्रॉट ठीक। तो पहला है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट यानी किसी घटना के घटित होने का कारण बनना। ब्रिंग अबाउट यानी कॉज, किसी घटना के घटित होने का कारण बनना। दूसरा है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक यानी याद दिलाना या लौटाना। कोई चीज़ आप भूल गए हो और उस चीज़ को याद ले रहे हो, ब्रिंग बैक। लौटाना, किसी वस्तु को लौटाना। ब्रिंग फॉरवर्ड यानी सामने रखना या जानकारी में लाना। ब्रिंग फॉरवर्ड जानकारी में रखना या सामने लाना। कोई भी प्रस्ताव है, मीटिंग है, उसको सामने रखना, कोई मुद्दा है। तो ब्रिंग फोर्थ यानी उत्पन्न करना, जन्म देना, व्यक्ति के लिए आता है। ब्रिंग डाउन यानी कीमत कम करना, किसी वस्तु की प्राइस कम करना। ब्रिंग डाउन यानी गिराना, हराना। ब्रिंग डाउन यानी हराना, हराना किसी को। ब्रिंग डाउन करते उतारना, एयरक्राफ्ट के लिए आता है। ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना, टेक केयर, लुक आफ्टर, जो भी हो। ब्रिंग अप, ब्रिंग और प्रकाशित करना, उत्पन्न करना, ठीक है, प्रकाशित करना, उत्पन्न करना, पब्लिश। ब्रिंग ग्राउंड यानी विचार प्रेरित करना, कि चेंज आइडिया थॉट, किसी के विचार को प्रेरित करना। ब्रिंग ग्राउंड यानी सचेत होना, लंबी लंबी वेव्स होने के बाद में किसी को सोच आना, तो सचेत होना उसके अर्थ में। ब्रिंग इन नए नियम से अवगत कराना, किसी कानून को या किसी कानून को अवगत कराना। ब्रिंग इन कमाना, अर्निंग के भी अर्थ में अर्निंग। ब्रिंग होने पैदा होना बीमारी का। तो अब इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। पहला, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही वॉच बाय हिज अंकल। उसकी पिता की मृत्यु के बाद उसका अंकल ने पालन पोषण किया। सिंपल है। तो ब्रॉट अबाउट यानी घटना घटित होने का, नहीं ब्रॉट अप पालन पोषण करना, तो इसका है ब्रॉट अप। अगला देखिए, द स्टॉर्म मेनी ट्रीज। ब्रिंग फोर्थ यानी जन्म देना, नहीं स्टॉर्म ने ब्रिंग डाउन गिराना, तो ब्रिंग डाउन इसमें दूसरा आ जाएगा। प्लीज ऑल लाइब्रेरी बुक्स बाय द एंड ऑफ द मंथ। आप इस महीने के अंत में सभी पुस्तकों को लौटा दो। तो ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं, ब्रिंग फॉरवर्ड करते सामने लाना, नहीं 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 ये सामने लाना किसी मुद्दे को या प्रपोजल प्रस्ताव को लाना है। अब किताब को लौटाने की बात करें तो ब्रिंग बैक, ठीक है। द ऑथर इज प्लानिंग टू द ट्रांसलेशन ऑफ द नॉवेल। तो ट्रांसलेशन यानी इस पुस्तक के ट्रांसलेशन की लेखक योजना बना रहा है। तो ब्रिंग इन नए नियम से अवगत कराना है, तो ये हो ही नहीं सकता। ब्रिंग आउट यानी पब्लिश कराना। इज इविल इज कॉज, उसकी जो बुराई तरीका है, जो बुरे कार्य होने की वजह से वो बर्बाद हो गया, किसी कारण बनना, तो ब्रिंग अबाउट ना कि ब्रिंग इन। तो ब्रिंग अबाउट इसका अर्थ होगा। अगला देखिए, वी एम टू प्राइस ऑन ऑल प्रोडक्ट। हमारा उद्देश्य प्राइस की प्रोडक्ट को कम करना है या बढ़ाना है। तो ब्रिंग ऑन पैदा होना, बीमारी के लिए आता है ब्रिंग डाउन, ये आएगा ब्रिंग डाउन। अगला देखिए, सी ए सन ब्रिंग फॉर्थ ब्रिंग्स ऑन, उसने एक बेटे को जन्म दिया ना कि, तो ब्रिंग्स फोर्थ आएगा ना कि ब्रिंग्स ऑन। द स्कैंडल में द गवर्नमेंट ब्रिंग आउट ब्रिंग डाउन, तो उसके इस स्कैंडल ने उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया, तो ब्रिंग डाउन ये आएगा ना कि ब्रिंग आउट। प्लीज द मैटर एट द नेक्स्ट मीटिंग, कृपया करके इस मैटर को प्रस्ताव इस मीटिंग को आगे लाइए। तो ब्रिंग बैक यानी वापस लौटाना, नहीं याद दिलाना, नहीं ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग द मैटर फॉरवर्ड एट द नेक्स्ट मीटिंग, तो ब्रिंग द मैटर फॉरवर्ड एट द नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू।